गया वहां पे तो मैंने ऑब्वियसली अपनी लाइफ स्टोरी शेयर किया, सबने कहा ना वल्नरेबिलिटी वगैरह, तो किसी ने ना लास्ट में एक बहुत बहुत क्लोज पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, यू नो कि ऑलमोस्ट की आपके पापा की सैलरी कितनी होगी, काइंड ऑफ यू नो ओके, थोड़ा हिचकिचा गया क्योंकि ना वो बहुत ही वल्नरेबल क्वेश्चन था और ऑडियंस थी सामने, 200 लोग थे। What is driving the entire thing is your intrinsic motivation, your desire to add value. That अगर मेरे पास gift है कुछ ideas को clearly अच्छे से ऐसे represent करने का कि लोगों की जिंदगी उससे improve हो सकती है, तो क्यों ना उस gift को मैं और improve करूँ। यार मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, अगर मैंने फरारी नहीं है, वैसे कुछ लोगों की होती है ना, my Ferrari is parked in the in the parking lot outside. But you know, if I buy a good car, I want to look after it. If I buy a good home, I want to look after it. If I buy whatever, you know, if मैं investment कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ खरीद रहा हूँ, मैं उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। How about if I discover I have मेरे में ये कला है, तो मैं उसको क्यों ना पॉलिश करूँ, उसको क्यों ना और बेहतरीन बनाऊँ, उसको क्यों ना उपयोग करूँ। और that's my take on that. Yeah. Your thoughts? बिल्कुल similar take है पाजी। You know कि जैसे आपने कहा ना कि अगर अगर हमारे अंदर कोई गिफ्ट है, जैसे कहते हैं ना कि हर स्टोरी जो है यूनिक होती है, एंड आपकी जो स्टोरीज होती हैं वो दूसरों के लिए तोहफा होता है, गिफ्ट होता है जी। हाँ, मैंने यू नो रियलाइज किया ये, मैं 11 साल पहले एक यस यस ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टोनी के ग्रेजुएट्स है ना, जो हर महीने इकट्ठे होते हैं और किसी गेस्ट स्पीकर को लाते हैं। तो एक महीने उनका कुछ यू नो थीम था कि अपकमिंग स्पीकर्स को लाते हैं जो बिल्कुल ही अभी अभी यू नो नए मार्केट में आए हैं या फिर सीख रहे हैं। गया वहां पे तो मैंने ऑब्वियसली अपनी लाइफ स्टोरी शेयर किया, सबने कहा ना वल्नरेबिलिटी वगैरह, तो किसी ने ना लास्ट में एक बहुत बहुत क्लोज पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, यू नो कि ऑलमोस्ट की आपके पापा की सैलरी कितनी होगी, काइंड ऑफ यू नो ओके, थोड़ा हिचकिचा गया क्योंकि ना वो बहुत ही वल्नरेबल क्वेश्चन था और ऑडियंस थी सामने, 200 लोग थे। तो मेरे पास यू नो एक जैसे कहते हैं कि बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल, यू नो फॉर मेनी इयर्स, कॉल उन्होंने वो यस ग्रुप शुरू किया था, तो मेरे पास आपने कहा कि ग्रेट टॉक अमनदीप, यू नो आई लव्ड इट, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड सेड विल इट बी ओके इफ आई यू नो गिव यू गिव यू सम फीडबैक, विल यू बी ओपन फॉर इट। तो मैं हमेशा लर्निंग के लिए यू नो ओपन रहता हूं, मैंने कहा या कॉल यू नो यू यू कैन यू नो शेयर इफ यू वांट जी। तो उन्होंने बड़े गहरी नजर से मुझे देखा और कहा कि देखो अमनदीप, योर स्टोरीज यू नो आर गिफ्ट्स फॉर अदर्स एंड यू डोंट हैव एनी राइट्स टू कीप दोस गिफ्ट्स अवे फ्रॉम देम। तो जैसे कि ना मैंने अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया ना, मैंने कुछ महीने पहले एक यूट्यूब चैनल पे गूगल किया, यूट्यूब किया कि ये जो रग्स खरीदते हैं ना, मैट डोर मैट्स, एक अच्छा डोर मैट दिया जाए ताकि मिट्टी ना घर पे थोड़ी कम आए, देश में काफी मिट्टी आ रही थी जी। आई थिंक ये पाकिस्तानी सज्जन थे जो पाकिस्तान में अपनी कोई पुश्तैनी बिजनेस करते हैं। एक मिलियन प्लस व्यूज था उसमें कि रग कौन सा आपको लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, 1 मिलियन प्लस व्यूज इस वीडियो के, ये रग कौन सा लेना चाहिए। ओके, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या लेना चाहिए, किसमें ज्यादा फंसता है। तो यू नो देयर आर ऑलवेज पीपल लुकिंग फॉर योर एक्सपर्टीज, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर द पेन एंड स्ट्रगल यू हैव गॉन थ्रू, यू नो जी। तो जैसे कहते हैं ना कि मिलियंस बिलियंस व्यूज होते हैं एक नजरिए को पेश करते हैं। कमिंग बैक, जो आपने कहा ना कि अगर आपके अंदर एक गिफ्ट है तो आपको वो शेयर करना चाहिए और शेयर करने के लिए उसको और बेहतर बनाना चाहिए कि उसकी पैकेजिंग कैसी अच्छी हो, कैसे वो लोगों तक पहुंचे, और जो मेरे अंदर है वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है दूसरों के अंदर ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखो, अगर आप इतना जानते हो और अगर इतना ट्रांसफर कर सकते हो तो आप पावरफुल ट्रेनर या स्पीकर हो, कंपेयर टू आप इतना जानते हो पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। राइट,